हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीपीएस इंस्टॉलेशन नॉलेज में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाटा इंट्रा गाड़ी की जीपीएस की इंस्टॉलेशन। ये सीएनजी गाड़ी है और इसके अंदर मैं विदाउट वायर कटिंग के विद रिले जीपीएस की इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ। तो आज दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो पुराने दोस्त हैं वीडियो को लाइक कर देना। आज दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये इस तरीके का इसका फ्रंट का लुक होने वाला है। और आ जाओ दोस्तों इसका कैबिन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके की गाड़ी बनाई है ये। इतना शानदार इसका कैबिन दिया हुआ इस तरीके का। और यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएगा पूरा। यहाँ पे पंखे और स्टीरियो वगैरह लगाने के लिए दे रखा है सारा कुछ। चाबी ऑन करने पे इस तरीके आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर हम जो है अपना QS 109 लगाने वाले हैं। लैगोज में BB 109 कहलाता है जीपीएस से। तो इस तरीके का डिवाइस है और इसकी वायरिंग नॉर्मल सी होने वाली है। इसके अंदर चार वायर होती है। ये इसका मैन प्लग है। रेड वाली मैन पावर की है जो मैन सप्लाई में लगती है। ब्लैक वाली बॉडी अर्थ की है। ऑरेंज वाली इग्निशन वायर है जो हमारे को इग्निशन का अलर्ट देती है चाबी ऑन ऑफ का। और येलो वाली जो है हमारी रिले कमांड की वायर है। तो मैं अभी लगाता हूँ और पूरा आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से लगेगा। तो इसमें लगाने के लिए हमारे को यहाँ से खोलना होगा इसका स्टेयरिंग के नीचे वाला पार्ट। यहाँ पे इसके पेच दिए हुए, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। चाबी को निकाल लेंगे पहले। हमने चाबी को ऑन करके चेक कर लिया है। गाड़ी जैक पर खड़ी है इसलिए मैं स्टार्ट करके आपको चेक करके नहीं दिखाने वाला। तो अभी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। इसमें 12 वोल्ट की रिले लगेगी। अब ये इसके हमने यहाँ से तीन पेज खोल लिए, एक दो और एक यहाँ नीचे से। तो ये हमारा जो है पुराना छोटा हाथी वगैरह था उसकी तरह ही ओपन हो जाता है ईजिली। इस तरीके से निकल जाएगा ये मेन चाबी का प्लग है। इसके अंदर हमारे को पावर इग्निशन चेक करनी है। अभी मैं इसके अंदर आपको चेक करके और लगा के दिखाऊँ। तो यहाँ पे हम अपना बॉडी अर्थ लगाने वाले हैं नट के अंदर। एक 12 नंबर का नट है, इसके अंदर बहुत अच्छा अर्थ आएगा तो हमारे कोई इशू नहीं होगा। तो इसमें लगा लेते हैं पहले। तो लूज कर लिया हमने, इसमें अपनी अर्थ वायर लगा देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको तार को बांध लेंगे ताकि कहीं पे झटके उठके लग के टूटे नहीं। और यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से हमने अपने अर्थ कर दिए, वापस से टाइट कर देते हैं। टाइट हो चुका पूरी तरीके से। अब हमें अपनी पावर की जो है कनेक्शन करने। तो दोस्तों हमने अपने यहाँ पे लाइट से चेक किया है। यहाँ पे हमने अपना लाइट का एक साइड लगा दिया अर्थ का। और यहाँ पे वन बाय वन चेक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। तो ये वाली हमारी जो है रेड और पीली वाली, ये हमारी पावर की वायर है। तो हमारी लाइट आ रही है, बाकी मैंने चेक कर लिया है, इसमें नहीं आ रही। अभी इसकी इग्निशन चेक करके चाबी को ऑन करके चेक करेंगे। तो जो मेन सप्लाई है वो हमें चाबी ऑफ करके चेक करनी होती है। जैसे इसमें मेन सप्लाई आ रही है, यहाँ पे हमें मेन करंट वायर लगा रही है और हम अभी इग्निशन चेक कर लेते हैं। तो हमारी जो रिले हमें कनेक्शन करने के लिए हमारे को जंपर वायर की मदद से चेक करना होता है। तो ये नीचे वाली वायर है, ये हमने पावर के भी चेक की थी लाइट की मदद से। और जो ऊपर वाली, इसमें लगाने के बाद में हमारे मीटर के अंदर जो है लाइट आ चुकी है। ये हमारी इग्निशन की वायर है, इसके अंदर हमारे को रिले के कनेक्शन करने हैं और हमारी इग्निशन अलर्ट की वायर लगानी है। तो इसके अंदर हमारे जो है प्लग बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। इसको हम यहाँ से प्रेस करेंगे और ये आराम से इजीली निकल जाएगा। तो हमारा नीचे वाला जो वायर है ये पावर का है, रेड और येलो वाला। और जो सिर्फ येलो वाला है ये इग्निशन का है। तो मैं इसके अंदर अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसके अंदर लॉक होते हैं, इसलिए आप पिन से निकाल सकते हैं, इसमें कनेक्शन कर सकते हैं बिना किसी तार को काटे हुए। तो इस तरीके से हमने इसका थिम्बल निकाल लिया है। इसके अंदर अपनी रिले की जो हमारी चार वायर होती है, ये दो ग्रीन होती है, इग्निशन के अंदर इन आउट लगानी होती है। और दो हमारे पास एक ये वाइट वाली है, ये हमारी पावर पे लगेगी जो मेन सप्लाई है। और ये हमारी रिले अलर्ट पे लगेगी। तो मैं अभी लगा के दिखाता हूँ आपको पूरे। इसके अंदर हमें तार काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इजीली लग सकता है ऐसे ही। तो अभी हम यहाँ पे इस तरीके से इसके कनेक्शन कर लेंगे। इसके अंदर हमारे को अपनी GPS की जो है इग्निशन वायर लगा देनी है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे लॉक हो जाएगा ये। तरीके से लॉक लगाने के बाद इसे टेप कर देंगे। ये एकदम फिक्स रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरीके से लग चुका है।
अब जहाँ से हमने इसकी इग्निशन वायर निकाली थी वहाँ पे हमें अपना ये रिले का दूसरी साइड वाला लगाना है। ये इस तरीके से लगा देंगे। अभी हमारे रिले के यहाँ वाले कनेक्शन हो चुके हैं इन आउट वाले। अब इसके बाद हमारे को पावर कनेक्शन करने हैं। एक पिन की मदद से हम इसे भी निकाल लेंगे। इसके अंदर एक छोटा सा लॉक होता है बस, ईजिली ये भी निकल चुका है। ये हमारा पावर का है। तो इसके अंदर हमारे को अपनी GPS मेन सप्लाई वाली वायर लगानी है। रेड वाली वायर हम इसमें लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पावर के कनेक्शन भी हो चुके हैं। यहाँ पे एक छोटी टाई की मदद से इसे बांध देंगे ताकि हमारे पावर का जो है वायर लूज ना हो। इसे वापस जहाँ से हमने निकाला था वहाँ पर इसे वापस लगा देते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिए। अब हमारी जो दो वायर रह गई है ये वायर भी मैं आपको दिखाता हूँ लगा के किस तरह से लगेगी। एक तो हमारी जो येलो वाली वायर है वो रिले कमांड वायर होती है। रिले कमांड वायर को छील लेंगे हल्का सा, और जो हमारी ये दोनों वायर है इनको भी छील लेंगे। ये हमारी मेन सप्लाई में लगेगी वाइट वाली वायर, और येलो वाली हमारी वायर येलो में लगेगी। तो पहले अपनी येलो वाली वायर को लगा लेते हैं फटाफट से। तो इसके ऊपर हमें लगा के इसको अटैच करने के बाद इसमें हमारे को टेप नहीं लगानी है, क्योंकि ये टेप लगाने के बाद रिले अटैच नहीं हो सकता। अब इसको हल्का सा स्लाइस कर लेंगे अपनी पावर वाली वायर को। इसके अंदर अपनी वाइट वाली वायर को लगा देंगे जिससे हमारे रिले को पावर मिलेगी, और इसको प्रॉपर तरीके से टेप कर देंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पूरे कनेक्शन हो चुके हैं। ये हमारी रिले वाली वायर थी वाइट वाली जो हमारे रिले को पावर देगी, यहाँ पे हमने लगा दी है। ये हमारे रिले टेस्ट करने के लिए है, और बाकी हमने पावर इग्निशन अपनी यहाँ पे लगा दी है प्रॉपर तरीके से। तो अभी इसके अंदर जो है हम अपना डिवाइस अटैच करके देखते हैं। सबसे पहले डिवाइस को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके स्विच को जो है ऑफ कर लेंगे। स्विच हमारा ऑफ है। ऑफ के बाद इसके अंदर हम अपना प्लग लगा के देखेंगे। प्लग लगाने के बाद इस तरह से इसमें लाइट आ जाएगी, और जब ये दोनों लाइटें स्टेबल हो जाएंगी तो इसके अंदर नेटवर्क प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो अभी हम अपना रिले टेस्ट कर लेते हैं जब तक इसकी लाइट स्टेबल होती है। तो सबसे पहले अपनी गाड़ी की जो है चाबी को ऑन करेंगे। चाबी ऑन करने के बाद जो हमारी येलो वायर है इसको बॉडी अर्थ पर लगाएंगे। बॉडी अर्थ पर लगाने के बाद जो है हमारी गाड़ी की लाइट चली जानी चाहिए। तो इस तरीके से जा चुकी है। तो हमारा रिले जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। इसे हटा देंगे। जब वर्क कर रहा है अब इसके ऊपर टेपिंग कर देंगे ताकि गाड़ी हमारी मिसिंग मिसिंग ना मारे। अच्छे से टेप करने के बाद इसे कोई दिक्कत नहीं होगी इसे। अब हम पहले अपना GPS चेक करते हैं। चाबी को ऑफ कर देंगे गाड़ी की। हमारी जो है अभी सिंगल लाइट जो है स्टेबल हो चुकी है। सैटेलाइट से कनेक्ट हो चुका है डिवाइस, और जो अभी येलो वाली लाइट है ये स्टेबल होने के बाद नेटवर्क भी इसमें आ जाएंगे। तो नेटवर्क आने के बाद ही हम इसे आराम से पैक कर पाएंगे, अदरवाइज ये दिक्कत करता रहेगा। तो जो डिवाइस है हमारा उसे लगाने के लिए हम अगर ऐसे उल्टा लगा देंगे या ऐसे टेढ़ा लगा देंगे तो नेटवर्क में इशू आते रहेंगे। ये हमारा स्काई साइड फेसिंग है,
इसको इस तरीके से ही हमें इंस्टॉल करना होता है, ऐसे ही लगाना है, चाहे यहाँ लगा लो चाहे कहीं पर ही बांधना है, तो इस तरीके से ही लगाना है, उल्टा सीधा नहीं लगाना, दिक्कत होती है। जैसे कि अब हमारी लाइट स्टेबल हो चुकी है तो हम ऐप में जाके चेक कर लेंगे इसे, अगर ऐप में डाटा आ जाएगा तो फिर हम डिवाइस को पैक करेंगे। तो दोस्तों तब तक मैं जाके ऐप में चेक करता हूँ अपना जीपीएस कि डाटा आया कि नहीं, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो मेरी। तो अभी हमारा जो है डिवाइस के अंदर नेटवर्क वगैरह सब कुछ आ चुका है, ऐप में भी चेक हो चुका है, तो डिवाइस को हम फटाफट से पैक कर देंगे। इसके ऊपर सबसे पहले हम अपना ढक्कन लगा देंगे, स्विच को जो है ऑन कर देंगे ताकि इसका बैटरी बैकअप वगैरह हमें मिलता रहेगा, तभी डिवाइस गाड़ी के अंदर कोई वायरिंग वगैरह तोड़ देता है तो इसे पैक कर लेंगे, इसके जॉइंट पे टेप कर देंगे। हमारी वायर जो इधर उधर नहीं होगी, अब एक बड़ी टाई की मदद से इसे हम प्रॉपर तरीके से यहाँ अंदर बांध देंगे। इसे बांध के एक्स्ट्रा टाई कट कर देंगे, इसे अंदर यहीं पे सेट करके एक और टाई की मदद से इसे हम बांध देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमने इसे सेट कर दिया रिले को, आप अपना डिवाइस पैक करते हैं। अब इसे पन्नी के अंदर पैक कर देंगे ताकि इसके अंदर पानी वानी ना जाए, पन्नी के अंदर पैक करना बहुत ज़रूरी है, अगर इसके अंदर पानी चला जाएगा तो अगर नेक्स्ट डे भी अगर इसके अंदर कोई दिक्कत हो जाती है, पानी चलाया था नेक्स्ट डे में इंस्टॉलेशन के, तो भी इसकी वारंटी अवॉइड हो जाती है। तो इसे प्रॉपर तरीके से पैक करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके हम टेप कर देंगे, यहाँ से इसको टेप कर दिया हमने। हमारा जो डिवाइस है प्रॉपर तरीके से पैक हो चुका है, अब इसे अंदर स्काई साइड करके यहाँ पे यहीं पर हम बांध दे रहे हैं, यहाँ बहुत जगह अच्छी है यहीं बांध देते हैं। तो फाइनली हमारी इस गाड़ी की जो है इंस्टॉलेशन डन कर दी है मैंने, तो अब इसको हम जो है बॉक्स को इसको पैक कर लेंगे, जैसे हमने निकाला था वैसे लगा देंगे, कनेक्शन ओके हो चुके हैं। तो दोस्तों फाइनली ये गाड़ी अब हमारी पैक हो चुकी है, पैक करने के बाद एक बार इसे ऑन करके चेक कर लेंगे कि कोई इसमें इशू वगैरह ना हो हमारी साइड से, और बाकी हम इसे स्टार्ट करके भी चेक नहीं कर सकते कि इसके पहिए वहीये खुले हुए हैं, जैक पे गाड़ी खड़ी है, तो स्टार्ट के बाद काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फाइनल दोस्तों हमारी गाड़ी की इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है, तो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्त नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनको कोई इशू ना हो इसके अंदर इंस्टॉलेशन करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।